नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ। इस तरह से मतलब एकदम शुद्ध हिंदी में, तो वो इसलिए क्योंकि जो आज का हमारा व्लॉग को तो व्लॉग ही बोलेंगे। हाँ, तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक क्या बोलते हैं उसे, मुझे हिंदी में नहीं आता क्योंकि अब मैं शुरू नहीं हुआ तो मैं बोल सकती हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक चैलेंज है, ठीक है। और उस चैलेंज में क्या करना है, उस चैलेंज में 24 आवर्स तक हमें हिंदी बोलनी है। एक भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करना, प्रॉपर प्योर हिंदी बोलनी है। और जो भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ करता है या कुछ भी इंग्लिश में बोलता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो उसे अपने आप को एक चवेटा मारना है, वो भी ऑन दी स्पॉट। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैलेंज। और 1 2 3 स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी माता श्री के पास लेके चलती हूँ और उनसे हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे। तो चलिए चलते हैं मम्मी जी के पास। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भोजन बन चुका है दिन का। पापड़ जोई कड़ी पापड़ ना मुझे हम पापड़ सूए जोई सूए भात सूए दाव हो। अच्छा, और आज आपको अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक छू? अब ये हम पचपन आयो खाओ है क्या क्या पचपन आयो पचपन बाहर पचपन मतलब परोसना। अच्छा, मम्मी चावल परोस रही है। और ये मेरी बहन बहुत खेला है वो हरियाव से मक्की के दाने छिल रही है क्योंकि कल हरेला है और इसे हम कल उगाएंगे, ठीक। मम्मी एक काम करो, आप कैमरा पकड़ लो ना, आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है। आपका चैनल बना दे एक, आपका चैनल बता दे, बना नहीं बुरा मत मानो, आपका चैनल बना दे, बता दो बस। मम्मी के नाम पे एक चैनल खोलेंगे, सुंदर बेटी की मम्मी व्लॉग्स। हम जा रहे हैं नीचे वाले भैया के पास, उनको हम अपने इसके बारे में समझा रहे हैं कि आज हमें पूरे दिन क्या करना है, ठीक है। और ये लड़का जो बार बार पीछे से आ रहा है, वार्तालाप करें नहीं तो हम आपका मुंह दूषित कर देंगे। हम हिंदी में ही वार्तालाप कर रहे हैं और ये लड़का मेरे हाथ से मेरा औजार। तो मित्रों, ये दृष्टिकोण जो आप देख रहे हैं ये एक कांच के यंत्र से निकल रहा है। हमें माफी दीजिए, इनने हमारा पस भरा दाना फोड़ दिया। थोड़ो ये देखिए, तो आज 24 घंटे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करना है और जो भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा उसे पड़ेगा एक चपेट। समझ रहे हैं आप और जो भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा उसे चपेट पड़ेगी, ठीक है। तो हम आप सभी से वार्तालाप करते हुए बाहर को जा रहे हैं। गंदी शक्ल आ रही है, हाथ भी ना टूटा हुआ, नीचे पूजा हो रही है, बुलाया नहीं सीधा पहुंचे। देखो देख 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 कैसे खा रही है, देख 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 पकड़ पकड़ इसे, बिन बुलाया खा नहीं है, हमें पूजा में नहीं बुलाया। अरे कैमरा इतना भारी हो रहा है ना, मेरा बाइसेप्स ऐसे बढ़ जाएगा। अरे हाँ हाँ, कांच वाला यंत्र, कांच शीशे वाला यंत्र।
तो मित्रों मेरा जो भाई अब है इस जो हम आज कर रहे हैं कोशिश 24 घंटे हिंदी बोलने की, उस कोशिश को वो नाकाम होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मेरा भाई नाकाम कोशिश है उसकी, क्योंकि वो इंसान जो मेरा भाई है बार बार कहीं ना कहीं पर अंग्रेजी शब्द डाल दे रहा है, और अभी वो है पीछे बैठ के डॉगू से डॉगू नहीं बोल रहा था डॉगू नहीं बोल रहा था नहीं नहीं इतनी तेज नहीं मारना था, मारा भी नहीं है, तेज नहीं मारना था, मारा भी नहीं मैंने। ये लड़का बहुत तेज मार रहा है। हमारे से संतुष्टि से बात करें या कृपया भीतर चले? भीतर भीतर क्यों, चलो भीतर चलते हैं, भीतर बुला रहा है। दोस्त है छुटकू सिंह, तो आज इनको भी हम बताते हैं आपको आज 24 घंटों के लिए सिर्फ भाव भाव तो इंग्लिश वर्ड है, भावना बोल तो आपको नहीं, आपको 24 घंटों के लिए हिंदी में भौंकना है, इंग्लिश अंग्रेजी में नहीं भौंकना। ओके हाथ मिला दो, हाथ मिला दो, हाथ मिलाओ, हेलो बोलो, हेलो। एटीट्यूड आ गया तेरे अंदर? सॉरी हमें सॉरी भी तो बोल दिया, हमें माफी दे दीजिए। इतनी खुशी भाई, ये चीटिंग है, मैं नहीं खेल रहा ये चैलेंज, ओ सॉरी। मैं नहीं खेल रहा, अभी एक बोला था चार रैप खेलना पड़ेगा। आप ऐसे हार नहीं मान सकते, अगर आप ऐसे हार मानेंगे तो मैं विजेता बन जाऊंगी और आपको ये बात हजम नहीं होगी, मुझे बताएं। ओके दोस्तों, तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये चैलेंज में हम फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना तो इस चैलेंज को किसी ने सीरियसली लिया, ना भाई ने, ना बहन ने, ना मम्मी ने, ठीक है। और मैं खुद बीच बीच में बोल दे रही थी, क्योंकि हैबिट नहीं है, हम कभी ना कभी इंग्लिश के वर्ड्स डाल ही देते हैं, ठीक है। प्योर हिंदी हम अपने यू नो डेली कॉन्वर्जेशन में नहीं कर सकते यार, जिसको आदत नहीं है वो नहीं बोल सकता। और यार हम क्या मतलब, अब तो सभी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब नहीं हो पा रहा था। तो अगली बार हम सीरियसली लेंगे और इस चैलेंज को अच्छे से पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस बार तो हम हार गए मुझे बड़ा बुरा लगा, पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पर फिर भी मज़ा आया, स्टार्टिंग में काफ़ी फन करा, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। व्लॉग्स आएंगे, इरेगुलर आ रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। अब मैं बताऊँगी ना आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, आप बोलोगे प्रेरणा हैट्स ऑफ टू यू यार, कैसे कर लेती हो तुम, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, व्लॉग फिर भी मैंने आज, मैंने लगा भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए मेरी नींद, सब कुछ त्याग के मैं आज व्लॉग करने बैठी हूँ। और मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि व्लॉग इरेगुलर क्यों आ रहा है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं हर बार बोलती हूँ और वो सो। तो पिछले कुछ एक हफ्ते से कह लो, तो पिछले एक हफ्ते से मेरा स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। लाइक पहले ऐसा था, मैं सुबह जिम जाती थी, फिर घर आती थी, फिर अपने व्लॉग शूट करती थी और साथ साथ अपने काम करती थी, उसके बाद रात को मैं खाना खाती थी, सो जाती थी, सिंपल सा मेरा शेड्यूल था। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि ड्रास्टिक चेंज आ चुका है मेरे लिए, क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो मेरा जो है स्केड्यूल इस तरीके से हो चुका है कि मैं रात भर सोती ही नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं दिन में कभी सोती हूँ। तो मेरे को सिर्फ टाइम मिलता है अपने लिए, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, क्योंकि रात की नींद रात की होती है, ठीक है। तो दिन में मैं वैसे नहीं सो पाती, और अगर मैं दिन में डेली नहीं सोती, और अगर हो पाता है तो मैं कभी सो जाती हूँ एक घंटा या दो घंटा। और बोलते हैं कि हमें दिन के 8-9 घंटे सोना चाहिए, तो जो बंदा वो भी डेली नहीं कभी कभी सिर्फ 2 घंटे की नींद ले रहा है किसी रीज़न से, तो वो कैसे मतलब व्लॉग शूट करेगा, ठीक है। तो वो क्या है जिस कारण मैं रात भर नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती, ठीक है।
तो क्योंकि रातों को जगना बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है। दिन में काम करना और एक रात को काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब मुझे 1 मंथ हो जाएगा कंप्लीट, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या है ऐसा। तो बस इसी कारण मेरे को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है और मैं बहुत रेस्टलेस हूँ, मतलब होता नहीं बिल्कुल रेस्टलेस हो रखा है बंदा, तो मैं इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, यही रीज़न है। लेकिन मैं बनाऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊँगी, जैसे आज डाल दिया एक दिन बाद फिर डाल दूँगी। इरेगुलर तो रहेंगे, इतना तो मुझे पता है कि वो इरेगुलर होंगे, एक दो दिन का गैप आएगा, बट जब तक ये काम है तब तक तो नहीं हो सकता। बाकी क्योंकि अगर मैं शूट भी कर लेती, चलो माना ब्लॉग मैंने दिन में शूट कर दिया, मेरे को एडिटिंग का टाइम ही नहीं होएगा, मैं नहीं डाल पाऊँगी, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं डाल ही नहीं सकती। मेरे को 10 जगह ध्यान देना है, इस पर भी देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैनल मैंने ऐसी मजाक में नहीं खोला है, मेरे को ये चीज़ भी करनी है, पर मैनेज नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा आप इरेगुलर ब्लॉग्स को थोड़ा सा मतलब इन लोग इस चीज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ब्लॉग्स भी डालूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर नहीं किया ना तो किश किया हो मजाक करी हो, तो यस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। व्लॉग्स आएंगे तो बाई।